हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इवोल्यूशन के एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स जानेंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो नंबर वन, स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। व्हेन वी सी स्टार्स, वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन टू द पास्ट। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। इट वॉज गिवन बाई लैमेटर। ओके, अर्थ इज अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। देर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन द अर्ली अर्थ। लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, राइट? ओके, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड बाई लुई पास्तूर। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हार्डिन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन 1953, एस एल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन ए लैब। ओके, मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मिथेन, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, राइट? द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2 बिलियन ईयर अगो, मतलब 2000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, सवाल आ सकता है इससे। ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर आएगा क्वेश्चन, आप हिट करिएगा। सम लिटरेचर सेज दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ये सम लिटरेचर कहते हैं। डार्विन ट्रेवल्ड इन ओके सेल शिप कॉल्ड एज HMS बीगल, उसका शिप का नाम था। डार्विन किसके साथ घूमने गए थे एक्चुअली? ओके, डार्विन वैलेस के साथ निकले थे, मतलब वैलेस भी सेम जर्नी किए। तो ऐसे याद रखिए कि डार्विन और वैलेस दो जन है जो लोग गए थे। डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड, एल्फ्रेड वैलेस गए थे मलय आर्चिपेलागो। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। याद रहेगा, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। स्टडी ऑफ फॉसिल इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाई अर्नस्ट हेकेल। द एम्ब्रायोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर नोटेड दैट एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑफ डायनासोर्स आर ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स, भूलिएगा मत, वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ऑल मैमल शेयर सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्स। याद रखिएगा। नाउ द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिकली याद रखिएगा, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग जगह डाइवर्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन दिखाता है, ठीक है? तो होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। अगर कॉमन एंसेस्टर है तो मतलब वो होमोलॉजी की तरफ जा रहा है। वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन इंडिकेट होमोलॉजी, जरूर याद रखिएगा। द फ्लिपर ऑफ पेंगविन एंड डॉल्फिन शोज एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। स्वीट पटेटो रिप्रेजेंट रूट मॉडिफिकेशन एंड पटेटो रिप्रेजेंट स्टेम मॉडिफिकेशन। और ये है एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल, राइट? चलिए, इन ए कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850s इन इंग्लैंड, 1850 इन इंग्लैंड, दैट इज इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ ऑन द ट्रीज। इन 1920 देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन द सेम एरिया। ये जो मॉथ है ये एक्चुअली बिस्टन है, बिस्टन बिटुल एरिया और कार्बोन एरिया, ठीक है? एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड एट्सेट्रा हैज ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इन ए मच लेसर टाइम स्केल। नो वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट इन नेचुरल सेलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, नो वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट इन नेचुरल सेलेक्शन। इवोल्यूशन कैन बी डन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैनमेड इवोल्यूशन हो सकता है। इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। सुनो ध्यान से, चांस इवेंट इन द नेचर और चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म।
तो इसमें तीन कीवर्ड निकले, इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर, इवेंट जो है वो नेचर में होगा, म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड डार्विन फिंचेस अरोज। तो डार्विन फिंचेस कहाँ से अरोज हुए थे, सीड ईटिंग बर्ड्स उसका एंसेस्टर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, याद रहेगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सेलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवन बिफोर डार्विन, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाई यूज, ओके क्या लिखा गया, बट ड्रिवन बाई यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ओके, इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। मैल्थस की थ्योरी क्या कहती है कि एक्चुअली जब तुम्हारा ये ऑर्गेनिज्म लोग है वो लोग बढ़ रहे हैं तुम्हारी जीपी में, तो फूड बढ़ रहा है एपी में, राइट। ओके, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डिरेक्शनल। क्वेश्चन आते ही आते हैं इस वाले लाइन से। नाउ म्यूटेशन आर रैंडम एंड डिरेक्शनलेस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्राइस। ह्यूगो डी व्राइस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज, इन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज या फिर इनोथेरा लैमार्कियाना। ह्यूगो डी व्राइस बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन। ह्यूगो डी व्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसिएशन। साल्टेशन इज ए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, राइट। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन। फाइव फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, फाइव फैक्टर्स। इफ द जीन फ्लो अकर्स बाई चांस इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सेलेक्शन कैन लीड टू स्टेबिलाइजेशन, नेचुरल सेलेक्शन कैन लीड टू डिसरप्शन। डिसरप्शन कब होगा, वेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। नाउ बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो, इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो, 350 मिलियन ईयर अगो। सी वीड एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। इन 1938 ए फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी ए सिलाकंथ विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1938 सिलाकंथ साउथ अफ्रीका। लोब फिन इवॉल्व इन टू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो लोब फिन्स थे आंसर, राइट। रेप्टाइल लेज थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, जायंट फर्न्स ब्रैकेट में टेरिडोफाइट है फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट। तो कोल डिपॉजिट बनाने में कौन गया भाई, जायंट फर्न्स गए थे टेरिडोफाइट्स। लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर अगो। इक्थियोसॉरस, याद रहेगा इक्थियोसॉरस बोलना भूलना मत, तो 200 मिलियन ईयर अगो याद रहेगा। टिरानोसॉरस रेक्स मतलब टी रेक्स वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज, मैमल वर विविपैरस एंड प्रोटेक्टेड दे आर अनबॉर्न यंग इन साइड द मदर्स बॉडी। वेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड द नॉर्थ अमेरिका द साउथ अमेरिकन एनिमल्स वर ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन फौना, ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन फौना। सम मैमल लिव होली इन वाटर, वेल डॉल्फिन सील एंड सी काउज आर सम एग्जाम्पल्स, राइट। अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड्स, राइट। ओके, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमोहैबिलिस। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड, ओके, एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस, याद रखना। होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी, होमो इरेक्टस का ब्रेन 900 सीसी।
होमोहैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 cc। होमो इरेक्टस मीट खाते थे, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, होमो हैबिलिस प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट। तो होमो हैबिलिस, हैबिलिस याद रखिएगा, हैबिट, ओके हैबिट याद रखिएगा, हैबिलिस का वो मीट नहीं खाते थे। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका, भूलना मत। नाउ प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अराउंड 18,000 ईयर अगो, ठीक है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 ईयर अगो, 18,000 ईयर अगो, 1818। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर अगो। मॉडर्न, ओके मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज, ओके इसी के साथ नियंडरथल याद रखिएगा, जो अपने बरी करते थे और हाइट्स पहनते थे, राइट, वो याद रख लीजिएगा। 1400 के अराउंड उसका ब्रेन का सीसी, आई गेस अगर मैंने इतना कवर कर लिया, थैंक यू सो मच। 11 मिनट में आपको इवोल्यूशन के इतने पॉइंट्स दे दिया हूँ कि आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, माई सेल्फ मिस्टर मेडिको।